मैनी ब्लॉग था, आप सभी का फिर स्वागत मैनी ब्लॉग में। तो और ये ब्लॉग मतलब कि बहुत दिनों बाद ब्लॉग आ रहा है, ये नहीं मतलब कि बहुत दिनों बाद मैं बीच में ब्लॉग सब नहीं डाल रहा था, तो एग्ज़ाम चल रहा था हम लोगों का। तो हाँ, तो अभी ब्लॉग्स आएंगे तो कोशिश रहेगा कि ब्लॉग्स आए। तो हाँ, ये ब्लॉग आपने जैसे देखा था मेल में, मड़ाई मेला था हमारे कुन्ना गाँव में, तो उसी में इससे एक दिन शुरू मेला जब शुरू होता है स्टार्टिंग में, तो यहाँ के देवी इष्ट देवती देवी देवता यहाँ पूरा मेला का पूरा घुमाते हैं उसमें। तो हाँ, देखिए आज का ब्लॉग, तो जितना था मेरे पास मैं उतना डाला हूँ, मैं तो नहीं जाता, तो मैं छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में होली के 7 दिन पहले से ही मेले के रूप में वहां के आदिवासी एक महत्वपूर्ण त्योहार मनाते हैं, जहां छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लोग आकर इस मेले का आनंद लेते हैं। इस त्योहार की खास बात यह है कि अच्छे फसल और पशुओं की सुरक्षा के लिए अपने आराध्य माँ देवी दंतेश्वरी और इष्ट देवी देवताओं की पालकी को सजाकर पूरे मेले की परिक्रमा कराई जाती है। वहाँ के लोगों के द्वारा यह मेला 13वीं शताब्दी से अब तक चला आ रहा है, उससे भी पहले मनाया जाता था, पर रिकॉर्ड सिर्फ 13वीं शताब्दी से है। और ये नृत्य करते हुए जो पुरुष हैं, यह कोई आम पुरुष नहीं है, यह बिना रुके बिना थके लगातार नृत्य करते जाते हैं। माँ की शक्ति के आगे इन्हें जरा भी थकान नहीं होता, और जब माँ की शक्ति इन पुरुषों से निकलती है तो इन्हें कोई भी किसी भी तरह की थकावट नहीं होती। जहाँ लोग वेस्टर्न कल्चर को अपनाकर अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, वहीं कोंडागांव के लोग वेस्टर्न कल्चर के साथ साथ अपनी संस्कृति को भी निभा रहे हैं। I'm
संगवारी।